गुंडू के राजदरबार प्रांगण में 21 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी को लेकर आज तमाड़ प्रखंड में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदीप कुमार साहू ने की। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया गया। धरती की हरियाली भी कायम रहे ऐसी भावना के साथ एक सुनियोजित कार्यक्रम उलगुलान फाउंडेशन एवं मासू पार्टी के संयुक्त तत्वाधान से किया जा रहा है। बैठक में मुख्य रूप से मथुरा प्रसाद साहू, राम दुर्लभ सिंह मुंडा, जीप सदस्य बुंडू श्रीमती परमेश्वरी सांडिल, ताराचंद्र सिंह मुंडा, दिलीप साहू, विकेश्वर महतो, योगेश्वर महतो, अजय साहू समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। अनगड़ा प्रखंड में मेंटेनेंस के बाद सिकिदरी जल विद्युत उत्पादन के लिए हुआ तैयार। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना सिकिदरी से शाम 2 घंटे विद्युत उत्पादन किया गया। विगत 45 दिन तक शटडाउन में पावर हाउस नंबर 1 और 2 में मेंटेनेंस का काम समाप्त हो गया। वहीं टेस्टिंग के तहत पावर हाउस नंबर 1 को 7:30 बजे एवं पावर हाउस नंबर 2 को 5:30 बजे से 2-2 घंटे चलाकर विद्युत उत्पादन किया गया। वहीं परियोजना प्रबंधन विनय अंगिरा ने बताया कि पावर हाउस नंबर 1 को 65 मेगावाट और पावर हाउस नंबर को 64 मेगावाट लोड चलाकर टेस्ट किया गया। दोनों पावर हाउस में सभी पैरामीटर नॉर्मल पाए गए हैं। वहीं दोनों पावर हाउस को फुल लोड पर शेड्यूल के अनुसार चलाया जाएगा। ज्ञात हो कि जल विद्युत सिकिदरी में 65-65 मेगावाट के 2 पावर हाउस है। सिली प्रखंड में आज सोमवार को बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिली प्रखंड में आज सोमवार को सिली प्रखंड स्थित रूट सेट संस्थान में बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर बकरी पालन प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों से प्रशिक्षुओं ने मुलाकात की एवं कार्यालय के कार्य व्यवस्था, क्लासरूम, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम के संचालन एवं भवन आदि का निरीक्षण भी किया गया। संस्थान की विकास रिपोर्ट पर जानकारी भी ली गई। फैकल्टी सदस्य अनिल कुमार एवं जगदीश चंद्र महतो ने कार्यकारी निदेशक को सिल्ली में रोडसेट संस्थान में प्रारंभ वर्ष 2011 में अब तक की प्रगति की रिपोर्ट बताई। उन्होंने बताया कि संस्थान के द्वारा अब तक 7,790 परीक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अपना रोजगार भी वे चला रहे हैं। उन्होंने सिली रूटसेट संस्थान का सफलता दर 75% बताया। वहीं इसके बाद कार्यकारी निदेशक ने संस्थान के उद्यमी द्वारा तैयार उत्पाद की प्रदर्शनी को देखा एवं सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी समय समय पर क्षेत्र में हर जगह पर लगवानी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि रूटसेट संस्थान से जुड़कर सैकड़ों लोग न केवल अपनी आजीविका चला रहे बल्कि समाज में बदलाव भी ला रहे हैं। इस मौके पर दशरथ महतो, FLCC ट्रेनर अशोक कुमार, महेश रोहिदास, सीता देवी समेत अन्य प्रशिक्षु शामिल हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली वरीय पदों के लिए वैकेंसी, 7 तक कर सकते हैं आवेदन। बैंक में नौकरी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने नौकरी करने का अवसर प्रदान किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डेटा साइंटिस्ट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेटा साइंटिस्ट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डेटा इंजीनियर और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डेटा इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक साइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साइंस, आईटी डेटा साइंस मशीन लॉगिन में बीटेक, बीई, एमटेक, एमई और एआई बीटेक और बीई में न्यूनतम 7% अंक अनिवार्य है। तमाड़ प्रखंड में मेगा रक्तदान मधुमेह जाँच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाड़ प्रखंड में श्याम सेवा ट्रस्ट की तत्वाधान से महारक्तदान सह मधुमेह जांच शिविर लगाया गया। रक्तदान करने पहुंचे श्याम भक्तों ने पहले श्री श्याम प्रभु के मंगलमय दर्शन के लिए फिर से रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। भक्तों ने श्री श्याम प्रभु को जयकारे भी लगाए। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा रक्तदान के बीच श्री श्याम प्रभु का महाप्रसाद वितरण किया गया। शिविर नगरमल मोदी सेवा सदन से सहयोग में लाया गया। उसमें कुल 86 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। शिविर को सफल बनाने में गौरव परसुमपुरिया, चंद्रप्रकाश बंगला, मनोज ढांडिया एवं जितेश अग्रवाल समेत अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा।